रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमने 9th बायोलॉजी का 3rd चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, बायोडाइवर्सिटी, जिसके अंदर आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि लेक्चर नंबर 8 है। इसमें हम देखेंगे क्लासिफिकेशन सिस्टम की तारीख के बारे में, क्योंकि जो क्लासिफिकेशन हमने की थी, हमने टैक्सोनॉमिक हायरार्की पढ़ा था, जिसके अंदर हमने किंगडम बताया, सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है, सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप है स्पीशीज, उसके अंदर सब ग्रुप्स भी आ रहे थे, फाइलम आ रहा था, क्लास थी, फैमिली ऑर्डर, एज उन सबको किस किसने इंट्रोड्यूस करवाया, कौन सा साइंटिस्ट आया, उसने किस ग्रुप के बारे में बताया, इन सबको हम देखते हैं आज थोड़ी सी इसके अंदर हिस्ट्री के बारे में कि कौन से साइंटिस्ट का क्या काम था। तो फर्स्ट हमारे पास है अरिस्टोटल है, जिसको हम अरस्तु भी कहते हैं। इसने बेसिकली क्या काम किया है, ये अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम को इसने इंट्रोड्यूस करवाया है, ये पाइनियर भी है, ठीक है। अर्लीस्ट सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है ना, उसको इंट्रोड्यूस करवाने वाला साइंटिस्ट हमारे पास है अरस्तु है। इसने दो ग्रुप्स बनाए हैं, एक उसने बनाया है प्लांट और दूसरा एनिमेलिया। इसने दो ग्रुप्स जो बनाए प्लांटी और एनिमेलिया, इसमें प्लांट्स को रखा, प्लांट्स के बारे में देखा कि प्लांट्स जो होते हैं वो कौन कौन से हैं, उनको एक ग्रुप के अंदर रख दिया। नेक्स्ट उसने देखा एनिमल्स के बारे में, डिफरेंट एनिमल्स को एक ही ग्रुप में अंदर उसने अरेंज कर दिया। तो ये काम था हमारा अरस्तु, इसे अरिस्टोटल भी कहते हैं, इंग्लिश की बुक में अरिस्टोटल लिखा हुआ है और उर्दू में इसको अरस्तु भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अबू उस्मान उमर अल जाहिज, एक नया साइंटिस्ट, एक नया बायोलॉजिस्ट आया। इसका बेसिकली अगर हम काम देखते हैं तो इसने 700 के अंदर एक काम किया और इसने कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी 350 स्पीशीज, इसने 350 स्पीशीज है, स्पीशीज मतलब एक जैसे जानवरों का ग्रुप, उनके अंदर मखसूस जो खसूसियात होती हैं उनको इसने वन बाय वन स्टडी किया है। तो इनकी खसूसियात के बारे में इसने 350 स्पीशीज की खसूसियात बताई हैं, और इसका मेन काम है इसने चींटियों के बारे में, आंट्स के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, उनकी लाइफ की हिस्ट्री के बारे में सबको डिटेल, बड़ा डिटेल से उसने स्टडी किया है। किसने? उमर, अबू उस्मान उमर अल जाहिज। स्टूडेंट, ये जो हिस्ट्री है ना, ये एज अ एमसीक्यू के तौर पर पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है, तो ये एज अ एमसीक्यू के लिए आप इसको ज़्यादा अच्छे से याद करें, क्योंकि एमसीक्यू आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अबू इब्ने रुश्द, एक नया साइंटिस्ट आया इब्ने रुश्द। इसने क्या किया, इसने सिंपली जो अरिस्टोटल, अरस्तु की जो बुक है डी अनिमा, उसका सिंपली उसने अरबी के अंदर तर्जमा किया है, अरबी के अंदर तर्जमा किया है, और ये जो कि उसकी बुक थी एक ग्रीक के अंदर लिखी हुई थी, उसको उसने सिंपल क्या कर दिया, डी अनिमा का अरेबिक तर्जमा किया। किसने? इब्ने रुश्द ने। नेक्स्ट हमारे पास साइंटिस्ट आ रहा है, अब यहाँ से आपका बॉक्स स्टार्ट हो गया, बॉक्स के अंदर डिफरेंट साइंटिस्ट हैं और उन सबका आपस में उनका क्या फंक्शन है, उसने क्या क्या इंट्रोड्यूस करवाया, उनकी डिस्कवरीज, उन सबको एक टेबल की फॉर्म में जो एक्सप्लेन किया है, वो फर्स्ट आता है हमारे पास एंड्रिया सीजल पाइनो। ये क्या क्या इसने यहाँ पे बताया, 1519 के अंदर ये पैदा हुए हैं, 1603 के अंदर इनकी डेथ हुई है। तो इनका काम क्या था, इन्होंने डिवाइड किया प्लांट्स को इनटू 15 ग्रुप्स के अंदर, इन्होंने सारे प्लांट्स के ऊपर स्टडी किया है और उनको 15 ग्रुप बना दिए, और उस ग्रुप को उसने नाम दिया जनरा का। ये इनका इंपॉर्टेंट काम है कि फर्स्ट टाइम जो जनरा किसने इंट्रोड्यूस करवाया, तो हमारे पास है एंड्रिया सीजल पाइनो ने। और इसने नेक्स्ट हमारे पास आता है जॉनरे, जॉनरे जो था वो 1627 के अंदर वो पैदा हुए हैं और 1705 के अंदर इनकी डेथ हुई है। इनका काम क्या होता है, इन्होंने भी पौधों पे ही काम किया, दो साइंटिस्ट हैं, एक एंड्रिया सीजल पाइनो और दूसरा जॉनरे, इन दोनों ने पौधों के ऊपर ही काम किया है। इन्होंने 15 ग्रुप्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया, इन्होंने होल क्लासिफिकेशन कर दी कम्प्लीट, जो पौधों की जो क्लासिफिकेशन है वो जॉनरे ने की है, ये और साइंटिस्ट थे। नेक्स्ट हमारे पास साइंटिस्ट आता है अगस्टस रेविनस। अब अगस्टस रेविनस क्या है, अगस्टस रेविनस एक नया बायोलॉजिस्ट है, एक नया साइंटिस्ट है, जो कि 1652 के अंदर पैदा हुए हैं और 1723 के अंदर इनकी डेथ हुई है। इन्होंने फर्स्ट टाइम ऑर्डर को इंट्रोड्यूस करवाया, हम पढ़ के आ चुके हैं, जनरा को इंट्रोड्यूस करवाने वाला एंड्रिया सीजल पाइनो है और ऑर्डर को इंट्रोड्यूस करवाने वाला अगस्टस रेविनस है। नेक्स्ट हमारे पास साइंटिस्ट आता है टॉर्नीफोर्ड, ये 1656 के अंदर पैदा हुए हैं, 1708 के अंदर इनकी डेथ हुई है। इनका काम क्या था, इन्होंने अब क्लास और स्पीशीज को इंट्रोड्यूस करवाया। सबसे पहले जो हम पढ़ के आ चुके, स्पीशीज एक जैसे जानदारों का ग्रुप होता है, ठीक है, और डिफरेंट हमारे पास फैमिलीज मिलती हैं, वो अरेंज हो जाती हैं क्लास के अंदर, रिलेटेड फैमिलीज का ग्रुप जो होता है और हमारे पास है क्लास, तो इन्होंने क्लास को भी इंट्रोड्यूस करवाया, स्पीशीज को भी इंट्रोड्यूस करवाया। तो ये टॉर्नीफोर्ड ने दो काम किए, क्लास को, दूसरा स्पीशी को इंट्रोड्यूस करवाया। लास्ट पे आते हैं हमारे पास कार्लस लीनियस।
जो कार्लस लीनियस है ना, बेसिकली इन्होंने क्या किया है, इन्होंने स्पीशीज को क्लासिफाई किया है उनके फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे, उनके कौन कौन से फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स थे। इसी के जो कार्लस लीनियस को फर्दर इसी बुक के चैप्टर के एक बॉक्स के अंदर भी एक्सप्लेन किया गया, उनके काम अलग अलग बताया है। तो पहला काम इन्होंने क्या, नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर का मतलब साइंटिफिक नेम देना। तो इन्होंने क्या किया, नोमेनक्लेचर, जानदारों को स्पीशीज को उनके साइंटिफिक नाम नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस करवाया, स्पीशीज को क्लासिफाई किया है इनकी फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे, और फिर इन्होंने क्या किया, नेचर के अंदर तीन ग्रुप्स बना दिए हैं। वो कौन कौन से ग्रुप हैं, पहला है मिनरल, सेकेंड है वेजिटेबल, थर्ड है एनिमल्स। तो ये कार्लस लीनियस का बड़ा इंपॉर्टेंट काम है कि जो उसने कार्लस ने काम किए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी कि दो ग्रुप्स का दो ग्रुप बना दिए दो किंगडम के अंदर। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी कि तीन ग्रुप्स को थ्री में रख दिया। देन हम बात करेंगे फाइव किंगडम को। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन ग्रुप्स की डिटेल्स के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपका आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।